अस्सलाम वालेकुम रियल लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए ऑनटरपनीस लेकर आएंगे हम आज भी अपने स्टूडियो में हमने एक वुमन ऑनटरपनीर को बुलाया हुआ है और हम उनसे वुमन ऑनटरपन्योर के हवाले से ही बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियोज़ में है आमना गर्ल शी इज़ अ वुमन ऑनटरपनीर एंड जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में वो काम करती हैं अमन वेलकम इन द स्टूडियो अगैन टॉपिक हमारा है वुमन ऑनटरपेनोरस के हवाले से अच्छा पहला सवाल तो ये है कि पहले इतना uh, हम ट्रेंड नहीं देख रहे थे फीमेल्स का कि वो ऑनटरपनोर बने बिकॉज हम इस पूरे प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि ये मेल ओरिएंटेड प्रोफेशन है लेकिन पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि वुमन ऑनटरपनोरशिप में uh, बहुत रुझान आया और बहुत ज़्यादा खातानी अब जिनमें यंगस्टर्स ज़्यादा हैं दे आर ट्राइंग टू बिकम ऑन्टरप्रनोर्स uh, और सक्सेस स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा हैं तो so, आपकी राय के अंदर ये जो वुमेन ऑनटरप्रनीरशिप में इतना रुझान में तेजी आई है इसकी क्या वजह है दिस इज ट्रू ठीक बहुत ज़्यादा रुझान एकदम से आपके मार्केट में वुमेन ऑन्टरप्रनोरस का आया पहले बहुत कम लेडीज थी जो इस साइड की तरफ आती थी या सोचती थी अब आई बिलीव कि सोशल मीडिया की जो पावर है ना विच हेज़ हेल्प्ड अलॉट अब लेडीज घर में बैठ के इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं आई पर्सनली नो सो मनी लेडीज जो अपने घर से अपना किचन रन कर रही हैं फ्रोज़न फूड जो है लाइव फ्रेश फूड बेकिंग इसके अलावा ड्रेस डिजाइनिंग कॉस्मेटिक मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी उनके पास है और हर चीज उनके हाथ में इजी एक्सेस ठीक है बिल्कुल जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पहले पहले टाइम में ये होता था कि जिस वजह से लेडीज इस फील्ड में आ नहीं सकती थी वो ये होता था कि इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि आपने पहले अपने घर को देखना है अपने बच्चों को देखना है अपने हस्बैंड को देखना है अपनी एक्सटेंडेड फैमिली अपनी क्लोज फैमिली हमारे जो स्टीरियोटिपिकल मतलब, रोल्स हैं रोल exactly, जो आपके स्टीरियोटिपिकल रोल्स है ना आपने उन्हीं के ही अंदर रहना है बिल्कुल लोगों को आप बहुत ज्यादा वुमेन ऑनटरप्रीनोर को सपोर्ट नहीं थी बिल्कुल वो अगर ये कहेंगे जी हम मैंने बाहर जाके काम करना है तो उनको मना कर दिया जाता था फैमिली की तरफ से अब उनके पास एक बहुत है ऐसी उनको बाहर जाना ही नहीं पड़ता वो घर बैठ के काम कर रही है ये वजह है कि इतनी ज्यादा लेडीज इस फील्ड के अंदर आई और एजुकेशन और अवेयरनेस दो चीजें मैं ऐसी कहूंगी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल उनको सबको भी ये चीज पता है कि फेसबुक के ऊपर वो अपना बिजनेस इंस्टा फेसबुक ये सारे मीडियम्स उनके पास ऐसे हैं जहाँ पे वो घर बैठे अभी काम स्टार्ट कर सकती हैं बिल्कुल वो अपने क्लाइंट से बात डायरेक्ट कर सकते हैं प्रमोशंस के थ्रू दे एज दे ठीक अदरवाइज बाजार में निकलना मार्केट में निकलना लोगों को बताना कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं और अपने पहले तो होता था कि फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से मार्केटिंग ही सबसे ज्यादा टेक्निकल <laughs> साइड होती है बिजनेस की और मार्केटिंग ही।, ही को आसान कर दिया सोशल मीडिया सबसे ज्यादा टेक्निकल साइड मार्केटिंग होती थी जिसकी वजह से लेडीज निकलती नहीं थी उन्हें होता था कि काम तो हम कर ले लेकिन हम बताएंगे कैसे सबको कि हम क्या काम कर रहे हैं पता क्या हमेशा इसके लिए तो हमें जा जाके लोगों को बताना पड़ेगा इसके लिए तो हमें फ्लायर्स ब्रोशर्स बांटने पड़ेंगे सबको जाके अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना ठीक आप घर बैठे प्रमोशन लगाएं आपकी आउटरीच इतने लोगों को घर दे देंगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं यानी, आ, हम कह सकते हैं सोशल मीडिया एक तरह का ऐसा वो कर्टन आ गया सोशल जिसके पीछे बैठ के बिजनेस सोशल मीडिया ने इतना जबरदस्त आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया है की जहाँ पे आपको ये सारे बैरियर्स अब लेडीज अपने घर में अपना घर भी देख रही हैं अपने बच्चे भी देख रही हैं सारा अपनी ड्यूटीज भी सर अंजाम दे रही हैं साथ साथ अपना बिजनेस ऑर्डर्स ले भी रही, है। ले रही हैं हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस भी बता exactly, रही आई एम पर्सनली वन ऑफ लेडीज ठीक है, exactly. ladies, अच्छा, है? अच्छा। मैं अगर आपको अपनी बात करूँ तो मेरे लिए बिजनेस मेरे लिए अपना बिजनेस करना इसलिए भी बहुत ज्यादा ईजी है की आई एम रनिंग माई ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर मेरे क्लाइंट्स मेरे घर आते हैं मेरे घर से आके ऑर्डर्स लेके जा रहे हैं ऑर्डर्स उनके बन रहे हैं ऑनलाइन मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत इजी है ये चीज़ कि मैं आराम से अपने घर को भी मैनेज कर लूँ और साथ साथ अपना यानी इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि फीमेल में है इतना तेजी से रुझान आया उसकी वजह ये है कि अब हमारे पास बेहतर टूल है एग्जैक्ट exactly. जिन्होंने कारोबार करना आसान कर दिया और हमारे पास ऐसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेडीज जिनको ये यूज करना नहीं आता ठीक ठीक है उनके लिए इतने जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं

पार्ट टू के आप करियर में भी एक ऑनटरप्योर बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक एक सेटअप है ना कि कारोबार सिर्फ मर्द हजरात कर सकते हैं कितना मुश्किल होता है ये और ख़ास तौर पे अच्छा आपके हवाले से भी और इन जर्नल आपकी अगर आपकी कम्युनिटी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं फीमेल ये माइंड सेट एक तरह से है जो है ना सही भी है उस सूरत पर जब आपको जाके चीज़ पता चलती है कि जब आपको सारा सारा दिन मार्केट के अंदर फिर के अपनी कारीगरों के साथ सर खपाई करनी पड़ती है ना पूरी मेल डोमिनेट exactly. मार्केट तो में तो उस वक्त आपको पता लगता है मेरा जो जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस है तो आपको पता है है ये तो टोटली मेल फैमिली वो एक इंडस्ट्री है इसके अंदर जो आपको कारीगर मिलेंगे जिनसे आपने काम कराना है वो सारे मेल है इसमें मैंने आज तक कोई फीमेल कारीगर नहीं देखी रॉ मटेरियल मटीरियल रॉ मटेरियल आपने जिससे परचेज करना है वो सारे मेल है आपने स्टेप बाय स्टेप जो काम कराना है इस इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पे वो टोटली मेल मैन्युफैक्चरिंग हो 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 वो वो पॉलिशिंग कुछ, कुछ भी कटिंग उससे पहले जो डाइज बनती हैं उससे पहले जो रॉ मटेरियल आता है सारे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें ना तो ये टोटल मेल डोमिनेटिंग मार्केट है इसके अंदर सबसे बड़ा जो इशू है मैं अगर अपनी सिर्फ बात करूँ तो जब मैंने ये स्टार्ट किया इन टू थाउजेंड इलेवन जाके देखना पड़ता था मार्केट के अंदर तो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता था क्योंकि एक तो कोई मुझे सीरियस नहीं लेता ये ये बहुत ये दूसरा दूसरी प्रॉब्लम है। दूसरी ये है। एक चीज बहुत बड़ी जो है ना वो मार्केट के अंदर है कि अगर एक दुकान के अंदर दस आदमी खड़े हैं और एक औरत आके अपना कोई क्वेश्चन पूछ रही है ना तो वो उसको जो है ना वो आप कर ही नहीं रहे उसको टेंशन इतनी वो नहीं मिल रही या उसको ये कह लें कि समझ समझा जाता है की शौकिया है एग्जैक्टली शौक, है कि जो है ना खुद ही चली जाएगी तो उनको लगता है कि जो मेल है वो सीरियस बायस है

जो मेल ऑंटरप्रनोर हैं उनको ज्यादा आप फोकस दे रहे होते हैं एक्सेप्टी द फीमेल ऑन्टरप्रनोर ठीक तो हो गया। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उसके female बाद फीमेल फीमेल कम्युनिटी खुद कितना को सपोर्ट करते हैं बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है देखिए ये अब होना शुरू हो गया अच्छा अब हालात है? बेहतर अब हालात काफी बेहतर है अच्छा अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा है कि वो होता है कि मैं कर लूं बस और जो है ना ये मेरा ही आइडिया किसी को पता ना चले जबकि अगर एक तरह से देखा जाए ना तो हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट ही लेडीज की चाहिए बिल्कुल ऐसा मेरा जो बिजनेस है मैं सिर्फ अपने बिजनेस के हवाले से बात करूँ तो मेरी बिजनेस है ज्वेलरी वो लेनी लेडीज ने बिल्कुल ऐसा ठीक है, है मुझे अगर लेडीज सपोर्ट नहीं करेंगी ठीक है तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा और मुझे वही लेडीज सपोर्ट करेंगी या मेरे साथ उन्हीं के टर्म्स अच्छे होंगे जिनके साथ मैंने अच्छे टर्म्स रखे होंगे बिल्कुल ऐसे ही है जिनको मैंने सपोर्ट किया होगा उनके बिजनेस में या जिनके साथ मेरा एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर होगा तो ऑब्वियस ऑब्वियली बात है वर्ड ऑफ माउथ या कुछ इस तरह अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ या मैं अगर आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर रही करूँ या आपको कोई जरूरत मेरी एन आई एम फॉर यू तो कल को जब मुझे आपकी जरूरत होगी यू विल बी यूल फॉर मी टू ठीक हो गया अगर हम आपस में ये कंपटीशन कर लेंगे

चैलेंजेस कौन से देख रही हैं फील्ड्स में तो आना शुरू हो गई हैं प्रॉब्लम्स जो हैं कुछ डोमेस्टिक हैं कुछ बिज़नेस रिलेटेड हैं लेकिन आपके नज़दीक चैलेंजेस जिनको आ, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो चाहे वो इनक्यूबेशन सेंटर्स हों चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हों जिनको एड्रेस करना चाहिए तो आपके नज़दीक चैलेंजेस कौन से हैं नॉरिन यहाँ पर भी मैं वही वाली आपकी बात करूँगी कि जो ये इनक्यूबेशन सेंटर्स और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या जो गवर्नमेंट ज्यादातर जो लेडीज है ना उनके चैलेंजेस हैं टू जनरेट फंड एक एक पहला चैलेंज आ गया एक्सेस एक्सेस टू टू फाइनेंस फाइनेंस ठीक है क्योंकि ज्यादातर लेडीज वो होती हैं जो अपनी पर्सनल सेविंग्स और उन सब से अपना बिजनेस कर रही होती हैं बिल्कुल ऐसे ठीक है।, है उसके बाद बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि अब की सिचुएशन ऐसी है कि आप देखें कि जो मेल उनकी फैमिली में जो उनके हसबेंड होंगे या भाई होंगे वो सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं अगर आप उनसे कहेंगे जी मैंने भी अपना बिजनेस करना है तो वो ऑब्वियसली अ यूड ऑफ मनी वो उसमें से एक पोर्शन जरूर आपको दे देंगे बड़ा चैलेंज उनको एक फाइनेंस जनरेशन का होता है ठीक हो और दूसरा दूसरा जो जो चैलेंज आई बिलीव वो यही है कि उनके पास इंफॉर्मेशन इस चीज की कमी है हाँ। कि ये अगर वो घर right में बैठ के अपना काम तो स्टार्ट कर रही है आराम से लेकिन अगर उनको ये इजी के साथ पे कर्जे चाहिए या अगर उन्हें इनक्यूबेशन सेंटर्स चाहिए या उनको अगर चाहिए तो उन्हें घर बैठे ये चीजें नहीं पता लग सकती बिल्कुल ऐसा है ठीक है बिल्कुल ऐसा ये एक है। बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि फीमेल ऑन्टरप्रनोर्स को मेरे ख्याल से यही यही चीज मार्केट इंटेलिजेंस में भी इसका शुमार होता है कि आपको मार्केट मार्केट डायनामिक्स के बारे में पता हो एक्सेस टू द राइट इन्फॉर्मेशन हो आपको कंपेटिटर्स समझ में आ रहे हो प्राइस क्या चल रही है मार्केट में डिमांड क्या चल रही है कस्टमर exactly. का ट्रेंड क्या है घर बैठ के आप बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मार्केट मार्केट ट्रेंड के लिए, आपको के लिए में निकलना पड़ता ही है बिल्कुल ऐसा ही और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है और कलेक्ट करनी तो वो मुझे लगता है की ये बहुत बड़ा चैलेंज लेडीज के लिए ये बन जाता है कि उन्होंने मार्केट में जाना है सारा पता करना है कि अपनी उनकी प्रोडक्ट की नीड कहाँ पे है वो और वो उसको एनहेंस कैसे कर सकते मार्केट डेवलपमेंट अच्छा मार्केटिंग का भी इसका मतलब है कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है मार्केटिंग मार्केटिंग का चैलेंज है और मुझे एक जो है ना वो चैलेंज ये चीज भी लगती है कि अपनी प्रोडक्ट को बाय द टाइम आपने आपने इम्प्रोवाइज कैसे करना है बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है उनको घर बैठ के ये चीज खुद ब खुद नहीं पता लगता बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है न वो उनको घर बैठे कोई नहीं बताएगा उसके लिए थोड़ा सा उनको एफर्ट करके निकलना ही पड़ेगा वो चीज चैलेंज है बिल्कुल ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स बात हम कर रहे थे वो मोन ऑनटरप्रेनोर्स की और तीन हवालों से हमने बात की एक तो ये कि रुझान क्यों बढ़ा है उसका जवाब आपको मिल गया होगा बिकॉज हमारे पास अब इन्वायरमेंट इतना कंड्यूसिव हो गया है फीमेल ऑन्टरप्रनोर्स के लिए कि फीमेल्स भी अब ऑनटरप्रीनोरशिप की फील्ड में आ सकती हैं प्रॉब्लम्स के हवाले से जब हमने बात की तो हमने कहा था कि प्रॉब्लम में सबसे बड़ा पहला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है कि मार्केट मेल डोमिनेटेड है और उस मेल डोमिनेट मार्केट में आपने अपनी वर्थ मनवानी होती है और ये सबसे बड़ी बात होती है और चैलेंजेस के हवाले से ये है कि आपका एक्सेस टू द फाइनेंस यानी आपको कारोबार का आगाज़ करने के लिए अपनी पर्सनल फंडिंग के अलावा ख़ास तौर तो पर इसकेरप के लिए फंड्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे किस तरह से आप अरेंज करेंगे किस तरह अपनी वर्थ को साबित करेंगे हम इसके अलावा और भी टॉपिक्स के हवाले से आपके लिए कुछ ना कुछ इंफॉमेशन लेकर आते रहेंगे सो यू इन द नेक्स्ट वीडियो